हेलो गाइस, वेलकम बैक टू साहू फाउंडेशंस। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ इंटीरियर डिजाइनिंग के चैलेंजेस के बारे में। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर अभी अभी आपने अपना एक करियर स्टार्ट किया इंटीरियर डिजाइनिंग के अंदर, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो जब आप एक नया फर्म स्टार्ट करते हो इंटीरियर डिजाइनिंग से रिलेटेड, तो इसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, या फिर अगर आप एक स्टूडेंट हो जो आप अपना करियर स्टार्ट कर रहे हो, तो क्या क्या चैलेंजेस आपको आएंगे, जैसे कि आपको क्लाइंट हैंडलिंग में प्रॉब्लम आएगा, जैसे कि आपको परचेजिंग में प्रॉब्लम आएगा, और जैसे कि आपको एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आएगा। तो जब आप क्लाइंट हैंडलिंग करते हो, तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि अथॉरिटी, सेकेंड नीड, और थर्ड मनी। कि अथॉरिटी किसके पास है, अगर आपके पास कोई अप्रोच करता है तो क्या उसके पास अथॉरिटी है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट आपके पास कॉल कर रहा है और वो बोल रहा है कि मुझे इंटीरियर डिजाइनिंग करवाना है, तो इसका मतलब है कि उसे इंटीरियर डिजाइनिंग नहीं कराना है, उसके पापा को करवाना है। तो आप ये देखो कि अथॉरिटी किसके पास है, डिसीजन मेकर कौन है उस जगह पे, आप उनसे डायरेक्ट अप्रोच करो तो आपको ज्यादा फायदा होगा। सेकेंड चीज हो गई आपका जो मनी, तो जो मनी है वो आपको देखना होगा कि पेइंग वाला कौन सा इंसान है, क्या हस्बैंड पे करने वाला या वाइफ पे करने वाला। अगर वाइफ आपसे काफ़ी ज़्यादा बात कर रही है, वो काफ़ी ज़्यादा आपको डिस्क्रिप्टिव वे में बता रही है, बट मनी वो नहीं पे करनी है, मनी पे करने वाली है उसके हस्बैंड। थर्ड हो गया आपका नीड, तो जो आपका नीड है वो आपको देखना होगा कि उस कस्टमर का कितना नीड है, क्या उसका घर अभी कंस्ट्रक्शन फेज में है, क्या उसका घर कंप्लीट हो चुका है, या फिर क्या उसने एक फ्लैट परचेस किया जिसका पोजेशन मिल चुका है, तो नीड उसका कितना बड़ा है। अगर 6 महीने अभी बचे हुए हैं उसके प्रोजेक्ट को होने में, तो उसी तरीके से उसका अप्रोच भी रहेगा, वो आपसे बात करेगा, वो आपको बोलेगा हाँ मुझे करवाना है, देखता हूँ, बताता हूँ आपको। और जिसे पोजेशन मिल चुका है फ्लैट का, वो चाहेगा कि जितने जल्दी से जल्दी मैं एक इंटीरियर डिज़ाइनर को फाइनलाइज करूँ। तो आपको ये चीज़ें देखना होगा, उस हिसाब से आप क्लाइंट को हैंडल करिए, तो आपका कन्वर्जन रेट काफ़ी हाई होगा। सेकेंड चीज़ आपका हो गया परचेजिंग, तो जब आप एक परचेजिंग करते हो तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि किस सेगमेंट के लिए आप टारगेट कर रहे हो। अगर आपका मिड सेगमेंट का क्लाइंट है, तो सारे परचेजिंग आप उसी हिसाब से करो, जिस हिसाब से आपने कोटेशन बनाया है उसी हिसाब का सारा परचेजिंग आपका होना चाहिए। अगर वो एक मिड सेगमेंट का क्लाइंट है, तो हर एक सामान मिड सेगमेंट का ही आप खरीदने का कोशिश करो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, एक ग्रास आप जब लेने जाते हो तो वो ग्रास आपको 60 रुपीज़ का मिलता है, 90 का मिलता है, और 120 का मिलता है। तो आप ट्राई करो कि आप 25 mm का ग्रास लो, उससे कम का भी आता है, 19 mm का भी आता है, 25 का भी आता है, 35 mm का भी। तो आप ट्राई करो कि आप 25 mm का आप ग्रास लो, ताकि हर एक चीज़ आपके बजट के अंदर फिट हो सके। उसी तरीके से जब आप वुड लेने के लिए जाते हो, तो वुड आपको 70 का भी मिलता है, 90 का भी मिलता है, और 120 का भी मिलता है, डिपेंडिंग ऑन ब्रांड्स, डिपेंडिंग ऑन दी क्वालिटीज। तो जो जिस सेगमेंट का क्लाइंट है, आप उस सेगमेंट का मटेरियल्स उनको सजेस्ट करो, तो उसी हिसाब से वो मटेरियल वो परचेज भी करेंगे। जो एक हाई एंड क्लाइंट है, उसको अगर आप मिड सेगमेंट का दिखाओगे, तो वो जल्दी गुस्सा हो जाएगा, वो कहेगा कि मुझे अच्छा चीज़ लगाना है। और अगर आप एक लो बजट क्लाइंट को ज़्यादा हाई बजट का दिखलाओगे, तो वो बोलेगा कि आप काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव रेट बता रहे हो, मुझे तो कम में ही मिल जाता मार्केट में। तो आपको परचेजिंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है कि किस तरीके से आपको परचेजिंग करना है। थर्ड आपका हो गया साइट हैंडलिंग, तो जब आप साइट हैंडलिंग करते हो, तो आपको ये चीज़ें देखना है कि साइट आप किस तरीके से हैंडल कर रहे हो, क्या आप खुद विजिट कर करके उस साइट को हैंडल कर रहे हो, क्या आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर रख रहे हो, या क्या आपके पास एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय है जो साइट को हैंडल करने वाला है। तो उस तरीके से आप साइट हैंडलिंग करो। अगर आप पूरा साइट खुद से आप देखोगे, हर एक लेबर्स को आप खुद से मैनेज करोगे, तो आप नंबर ऑफ प्रोजेक्ट ज़्यादा नहीं कर पाओगे। तो आपको ये देखना है कि आप साइट किस तरीके से हैंडल कर रहे हो। हाँ, अगर आप एक एम्प्लॉय रखते हो, तो उस एम्प्लॉय का खर्च भी आपको पड़ना है। तो क्या प्रोजेक्ट में उतना आपका पैसा बच रहा है कि आप एम्प्लॉय का खर्च निकाल सको, आप खुद का खर्च निकाल सको, और आप इन फ्यूचर आप इन्वेस्ट कर सको अपने बिजनेस के ऊपर। तो सारी चीज़ें डिपेंड करती है एक प्रोजेक्ट के ऊपर, और जैसे जैसे आप प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हो, उस तरीके से आपको धीरे धीरे नॉलेज भी होता है कि किस तरीके से आपको प्रोजेक्ट हैंडल करना होगा। मे बी फर्स्ट फ्यू प्रोजेक्ट्स में आपको काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज होंगी, बट जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होगा, आपको भी नॉलेज होगा कि किस तरीके से मैं इसे हैंडल करूँ कि वो मेरे लिए ईजी हो। क्योंकि अगर आप एक प्रोजेक्ट कर रहे हो, उस बीच हो सकता है आपको नए क्लाइंट भी मिल जाए। तो जब नए क्लाइंट है, तो उनका प्रोजेक्ट का डिज़ाइनिंग भी आपको करना है, जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उनका वर्क भी कंप्लीट करना है। और कई जगह पे हर्डल्स आते हैं, कई जगह मटेरियल वेस्टेज चला जाता है, कई बार कोई एक्सीडेंटल लॉसेस हो जाते हैं प्रोजेक्ट के अंदर, कई जगह क्लाइंट पैसे नहीं देते हैं। तो ये सारी चीज़ों आपको हैंडल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किस तरीके से हैंडल करना है, वो धीरे धीरे विथ एक्सपीरियंस आप सीखोगे।
अगर आपको लगता है कि आप अब एक स्टूडेंट हो और आपको एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट की ज़रूरत है, तो हमारा भी इंटीरियर डिज़ाइनिंग का फर्म है जहां हम लोग इंटीरियर डिज़ाइनिंग के क्लासेस करवाते हैं, स्टूडेंट्स को कम्प्लीटली ट्रेन करते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, एस्टिमेशन के अंदर, वास्तु के अंदर, और सारी चीज़ें उनको सिखलाया जाता है। एट दी एंड उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, उनके लिए MSME रजिस्ट्रेशन किया जाता है। उस रजिस्ट्रेशन के तहत आपको गवर्नमेंट के साइड से भी हेल्प मिलता है अगर आप एक खुद का फर्म खोलते हो, और हम लोग एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट देते हैं जहाँ पे आपको साइट पर भी ले जाया जाता है, साइट किस तरीके से होता है हैंडल वो चीज़ें सिखाया जाता है, सॉफ्टवेयर किस तरीके से हैंडल करते हैं, एक 3D आप बना रहे हो तो कितना रियलिस्टिक बना सकते हो, 2D बना रहे हो तो कितना डिटेलिंग्स उसके अंदर है, ये सारी चीज़ें हम लोग आपको सिखाते हैं। तो हमारा 3 मंथ्स का भी कोर्स है और 1 ईयर का भी कोर्स है, डिपेंडिंग कि आपके पास कितना टाइम है, आप कितना डेडिकेटेड हो करियर के लिए, आप उस तरीके से हमारे क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। तो हमारे क्लासेस रांची के अंदर होता है, ये इंटीरियर डिज़ाइनिंग क्लासेस है जहाँ पे हम लोग आपको कंप्लीट उसका ओवरव्यू आपको देंगे कि क्या क्या चीज़ें होंगी। अगर आपको लगता है कि मेरे को ज्वाइन करने से पहले इस क्लास के बारे में जानना है, तो आप हमें अभी कॉन्टैक्ट करिए। sahufoundations.com हमारे वेबसाइट का नाम हुआ, मेरा फ़ोन नंबर और मेरी सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू गाइज़।